नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। खबर बिहार के गया जिले से है, जहां विष्णुपथ मंदिर में भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें बहुतेरे लोगों ने भाग लिए। हमारे संवाददाता ने जब विष्णुपथ मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि विष्णुपथ हिंदू धर्मावलियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म आस्था है, या हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार का महत्वपूर्ण रास्ता मानते हैं। आज से करीब 500 वर्ष पहले महारानी अहिल्या बाई होलकर ने इस विष्णुपथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता यह है कि एक बहुत ही क्रूर राक्षस गया और उनके आसपास के इलाके में क्रूरतम एवं आपराधिक क्रिया किया करता था। यह बात तब की है जब हिंदू मान्यता के अनुसार सतयुग हुआ करता था। एक युग 400 वर्ष का होता है, तो इसी युग में राजा हरिश्चंद्र राजा हुआ करते थे। उस समय राक्षस के पापकृत को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पैर से राक्षस के छाती को कस कर दबाया। राक्षस जहां दबा वहीं विष्णुपथ मंदिर कहलाया। मरते वक्त राक्षस ने भगवान विष्णु से विनय किया, उस पर भगवान विष्णु ने कुछ वरदान दिए, जिसके कारण उसके ही नाम गयासुर से गया नगरी का नाम विख्यात हुआ। यहां लाखों तीर्थयात्री भारत एवं विश्व के कोने कोने से आते हैं, अपने पितरों के मुक्ति के लिए हर एक साल श्राद्ध कर्म करते हैं। यहाँ एक पांडा समाज है जो इन कर्मों में सहायक बनते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के अवसर पर विष्णुपथ मंदिर में एक महत्वपूर्ण आरती का आयोजन किया गया, जिसमें गयापाल पांडव के साथ साथ गया हिंदू समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। आरती में आए हुए लोगों का कहना था कि हम लोग आशा करते हैं ऐसे ही आरती का माहौल हर साल रहे। आइए आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ते चलते हैं। बिहार के गया जिले से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए रंजू कुमारी की रिपोर्ट। सत्पदेषु भक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तपुण्यदायकम् स विष्णुरात्मसत्पदेषु भक्तिमाशु। Dim 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 d